सरकारी योजनाओं के आवेदनों को लेकर कर्मचारी और पालिका अध्यक्ष के बीच विवाद हुआ था। भिंडर नगर पालिका कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत भिंडर निवासी भूपेंद्र सिंह चौहान को खाद्य सुरक्षा, भामाशाह व पेंशन संबंधी योजनाओं के कार्य की जिम्मेदारी सौंप रखी है। इन योजनाओं से संबंधित आवेदनों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने उसे चैम्बर में बुलाया। पालिका अध्यक्ष ने कर्मचारी से उसके पास रखे हुए आवेदन मांगे गए तो कर्मचारी ने आवेदन पत्र दे दिए। उन आवेदन पत्रों में नागदा समाज के अपूर्ण आवेदन पत्र होने सहित अन्य आवेदन पत्रों में भी त्रुटियां होने पर अध्यक्ष ने कर्मचारी को खरी खोटी सुनाई और बहस हो गई, जिस पर कर्मचारी भूपेंद्र सिंह चौहान रोते हुए भिंडर पुलिस थाने पहुंचा और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दी। इसको लेकर पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने भी शाम को उक्त कर्मचारी के खिलाफ योजना के एक आवेदन पर अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर करने की रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में कर्मचारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने उस पर हाथ उठाने का प्रयास किया। वहीं पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने बताया कि कर्मचारी ने फाइलों पर फर्जी हस्ताक्षर कर रखे थे, इसी कारण उसे फटकार लगाई है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर जाँच शुरू कर दी है। भूपेंद्र सिंह जी हमारे पालिका संबंधी कार्रवाई में लापरवाही बरत रहे थे। उनसे जब उनके पेंशन संबंधित उनके पास में फॉर्म पड़े हुए थे, उनसे मांगे गए भाई आपने क्या कार्य किया है, तो उन्होंने फॉर्म ला के दिए, उसमें अधूरे फॉर्म थे। और तो उनको लापरवाही के लिए उनको बोला भाई आपने काम ऐसे क्यों किया है, तो उन्होंने और गाली गलौज करके उल्टा सीधा बोल के वो चले गए। जबकि पहले भी इनके इन्होंने हम एक फॉर्म पर फर्जी साइन करके मेरे और इनके फॉर्म लगा रखा था, इसलिए उनको ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उनसे जवाब मांगा गया तो जवाब न दे के उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया कि वो आवाज़ हो हल्ला करके यहाँ से निकल गए थे। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जब हमने फॉर्म देखे तो उसमें सभी में फॉर्म अनकम्प्लीट पाए गए। हमने कहा कि आपने, क्योंकि पहले उसमें ई मित्र वाले का काम होता है, वो ई मित्र में सबमिट हो गया फिर नगर पालिका में फॉर्म आता है, तो उसमें ई मित्र वाला सबमिट नहीं था फॉर्म। तो हमने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि उसको कम्प्लीट करके फॉर्म और लगाओ, जबकि उसमें लगभग एक एक साल से फॉर्म पड़े हुए लोगों के पास में यहाँ पे, तो उनकी जवाबदेही बनती है कि अपन उनका काम समय पे निपटाएं। और लोग यहाँ पे आके चक्कर काटते हैं तो अच्छा नहीं रहता है और पालिका की बदनामी होती है। मेरा कुछ पेंशन संबंधी कार्य को लेकर, भामाशाह संबंधी कार्य को लेकर कुछ चेयरमैन उप चेयरमैन के संबंध में टकराव चल रहा था। मैं जबकि ये कार्य सुचारू रूप से चला रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे दबा करके मेरे को परेशान कर रहे थे। तो मैं उसी पूर्व कर्मचारी को बुला करके उन्होंने मेरे से चार लेकर के उनको दे दिया। कुछ 10-12 फार्म मेरे समय के थे जो मैंने रख रखे थे, उसमें नागदा समाज के 7-8 फार्म थे। तो उन्होंने कहा नागदा समाज आपके क्या लगती है जो आप उनके फार्म ज़्यादा रखते हो। तो मैंने कहा मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो रखता हूँ, मैं तो व्यवहार से उन्होंने दिए और मेरा समय में दिए जो मैं वो कार्य करना चाहता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने चेयरमैन साहब ने सीट से ऊँट करके कुछ अशब्द का प्रयोग करने लगे और मेरे सामने लंबा हाथ किया। तो मैंने कहा चेयरमैन साहब गरिमा रखी है, ठोकने हो तो बाहर आके ठोकिए, यहाँ हाथ उन्होंने से कोई फायदा नहीं। मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, ऐसा कर करके मैं उस चैम्बर से निकल गया। उस समय राम सिंह रिटायर्ड कुछ कर्मचारी खड़े थे, गिरीश जी सोनी थे, बाहर दूसरे कर्मचारी खड़े थे। इसके अलावा मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं किया। और कल मेरे साथ यदि कोई हादसा होता है और ये करते हैं, मैं ऑफिस मेरे समय पर जाऊंगा, और कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये मेरे थोड़ी